इस वक्त है अंधेरी के पश्चिम मध्य रेलवे स्टेशन, अंधेरी लोकल हम यहाँ से पकड़ेंगे और हम जा रहे हैं CST। मैंने मास्क इसके लिए लगा लिया क्योंकि यहाँ बहुत रश है, और सेफ्टी को देखते हुए क्योंकि कोरोना के मामले अभी खत्म नहीं हुए हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने मास्क लगा लिया। मैंने और मेरी वाइफ ने भी मास्क लगा लिया। गेट के सामने कैब ड्राइवर से बोला कि हमें नरीमन पॉइंट जाना है। कैब ड्राइवर ने हमसे पूछा शेयरिंग में जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे। हमने कहा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। डायरेक्ट में कैब ड्राइवर ने कहा कि आपको 90 रुपये देना पड़ेंगे, मतलब 1 किलोमीटर के 90 रुपये। बरसात का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप देख कर भी चलना है कि जो भी जगह जा रहे हैं वो कितनी दूर है, जबकि चर्च गेट के सामने ही वॉक करते हुए आप बीच साइड जा सकते हैं और फिर वहाँ से कैब करके आप नरीमन पॉइंट जा सकते हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। तो अब हम चर्च गेट से वॉक करते हुए जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है ना, मरीन लाइंस की तरफ आ चुके हैं। शानदार व्यू है, पानी सरोज शीशे की तरह चमक रही है और काफ़ी तेज़ हवा है। मेरी वाइफ ने तो रेनकोट पहना हुआ है, मैं छाता लिया हूँ। वैसे यहाँ छाता काम नहीं आता है, जैसे मैंने पहले कहा था छाता यहाँ काम नहीं आता। हवा काफ़ी तेज़ होती है, हम रोड क्रॉस करेंगे। बहुत ही शानदार व्यू है। मरीन लाइंस पर हैं और गेटवे ऑफ इंडिया की ओर जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ भले ही बारिश कम है एज कम्पेयर टू अंधेरी ईस्ट, लेकिन यहाँ की हवा बहुत ज़ोरदार हो, तो अगर आप छाता वाता लाने की सोच रहे हैं तो कोई काम नहीं आने वाले। यहाँ छाता काम नहीं आता और आप रेनकोट पहनकर ही निकलें अगर आप मानसून का मज़ा लेना चाहते हैं मुंबई में, और कोशिश करें कि आप कैब से ही ट्रैवल करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कहीं आप पैदल चल पाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। भैया हमें ले जा रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? माय नेम इज सुरेश। सुरेश भैया हमें गेटवे ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं। अच्छा भैया, मरीन लाइंस में खास तौर पर इस एरिया में सर्व करते हैं। तो फाइनली हम कैब करके अब गेटवे ऑफ इंडिया के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। फिर भी हमें तो मॉनसून का ही मज़ा लेना था, तो हम आए हैं मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं। चलिए तो हम पहुंच गए हैं
गेटवे ऑफ इंडिया की ओर मैंने बैग सामने की ओर टांग लिया है क्योंकि कैमरे को गीला होने से बचाना। मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं और इधर आप ताजपुर से ताज होटल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सुबह का मौसम ऑसम, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार। छाता हटा के आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। छाता मैंने इसलिए लगा के रखा है जिससे कैमरे को बचाया जा सके। तो गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचने के बाद आपको एक सलाह है कि यहाँ पर एंट्री गेट पर साफ बोल दिया जाता है कि आपको सेल्फी स्टिक का प्रयोग नहीं करना है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। असल में यहाँ के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो उनकी रोजी रोटी चलती रहे और उनका एक एसोसिएशन है जिसकी वजह से ये नियम बनाया गया है। तो क्या होता है, सेल्फी स्टिक में लोग खुद ही फ़ोटो खींच लेते हैं तो उनका क्या होगा। तो आप जब भी आएँ तो कुछ फ़ोटोज़ यहाँ के फोटोग्राफर से भी क्लिक कराएं, हमने भी कराई थी और वो काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आपकी क्लिक करके एक मिनट के अंदर दे देते हैं और इसका चार्ज 30 रुपीज़ पर पिक होता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पूरा इतिहास यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी गई हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस वजह से और इसकी स्थापना हुई थी। देखिए मानसून में भी किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। गेटवे ऑफ इंडिया से हम CST आ चुके हैं और बारिश धीमी पड़ चुकी है। वहाँ से आपको ऐसे बेस्ट की AC बसेस मिल जाती हैं महज 12 रुपये में। हम CST वापस आ गए क्योंकि हमें गोवा के लिए जल्दी निकलना है और हमारी फ़्लाइट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो अब हम यहाँ से CST से हम अंधेरी के लिए लोकल ट्रेन पकड़ेंगे और लोकल ट्रेन से अंधेरी उतरने के बाद हम मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे और मेट्रो से हम फिर पहुँचेंगे अपने होटल की ओर। हमने होटल जो है वो एयरपोर्ट T2 टर्मिनल के पास ही लिया है क्योंकि मुंबई में वैसे भी ट्रैफिक में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मानसून में ये समय लगभग 2 गुना हो जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम CST से अंधेरी की ओर जा रहे हैं लेकिन भारी बारिश के कारण हमारी लोकल थोड़ी सी स्लो हो गई है। हम वहाँ से अच्छा हुआ समय पर निकल गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 7 बजे और लगभग 5 बजे हमें स्टेशन पहुँचना है और अभी मेरी घड़ी में 4:30 बज गया है। तो अंधेरी के बाद हमें अपने होटल भी पहुँचना है तो इसी वजह से हम कुछ डेस्टिनेशंस को कवर नहीं कर पाए, लेकिन गोवा में सारी डेस्टिनेशन को हम कवर करेंगे क्योंकि मेन जो हमारी ट्रिप है वो गोवा। और अब हम आ गए हैं अंधेरी स्टेशन। उतरने की थोड़ी सी जद्दोजहद, चलिए ये आ गए हम अंधेरी स्टेशन। अब जल्दी से, काफी पानी गिरा है अंधेरी स्टेशन पर, अब हम तेजी से जाएंगे मेट्रो स्टेशन की ओर। थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेशन पर चलते वक्त गीला बहुत होता है तो संभल कर थोड़े से चलने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। हमें जाना है
मेट्रो की ओर। कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गए। और तभी हम कॉल आया लाइन से की तरफ से कि आपका फाइनल कॉल है। हैरानी की बात है कि अचानक फ्लाइट टाइम पर आ गई। तो बस हम बस से पहुंचने वाले हैं।